आज जो प्रेस ब्रीफिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, ये रिगार्डिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी जो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को बिफोर इलेक्शन उनके सामने रखना चाहती है। हमने कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी की रिगार्डिंग, और आज हम श्रीनगर के इस ऑफिस में आपका आपके सामने मुखातिब हैं। मेरे साथ गुलाम नबी मूंगा साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो कश्मीर में हमारी सब कमेटी बनी है मैनिफेस्टो की और गारंटी जो हमने बना देनी है लोगों के सामने, उसके हेड गुलाम नबी मूंगा साहब हैं, और इन्हीं की अध्यक्षता में पूरे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्टों में हमारी टीमें जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी के लोग 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों से पूछेंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके जो मामले हैं, जो परेशानियां हैं वो क्या हैं, जिसको हम मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें या गारंटी में इंक्लूड करें। आपने देखा जम्मू कश्मीर स्टेट में जो अब यूटी है, इस तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 10 सालों। डेली वेजर अभी भी सड़कों में दरबदर है, केजुअल लेबर सड़कों पे दरबदर है, बिजली की बिले जब से हमने छोड़ा था 10-10, 20-20 गुना बढ़ गई, और पावर कहीं है ही नहीं। राशन की हालात देख लीजिएगा, अब हर राशन लोगों को मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है तो 5 किलो मिलता है, जिससे कोई गुजारा होता नहीं है। इसी तरीके से बिजली की कटौती का मसला है, स्मार्ट मीटर्स का इश्यू है, जो लोगों को परेशानियां है रात दिन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, इसका हम समाधान क्या करने जा रहे हैं वो हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी में आपके सामने लाएंगे। और स्टोन क्वारीज, रेत बाजरी जो हमारे नालों में नेचुरली अवेलेबल होती थी और हमारी सरकारों में कभी लोगों को रुकावट नहीं की गई, लेकिन आज एक दाना भी कोई सिविलियन वहां से उठा नहीं सकता है। बीजेपी सरकार ने ठेकेदार बाहर से लाए और जो लेने की कोशिश कर रहा है, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां इस वक्त भी थानों में सीज है, जो भी उठाने की कोशिश करते हैं, हमारी रेत हमारी बाजरी हमें हाथ नहीं लगाने देते हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरीके से यहां पे स्टोन क्वारीज, क्रशर्स, हर चीज पे बैन लगाई गई। एक और बहुत बड़ा इशू है कि जिन लोगों के पास पिछले 200 साल से स्टेट लैंड थी और जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने दौर इक्तदार में रोशनी के तहत लोगों को दिया था, उन्हीं की जमीन उन्हीं के पास थी। रोशनी एक्ट में हमने उनको राइट्स दिए थे लैंड, वो रोशनी एक्ट बीजेपी सरकार ने खत्म किया और उनकी सारी स्टेट लैंडें छीन ली। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी कोई ना कोई गारंटी, कोई ना कोई मैनिफेस्टो में जगह बना के उन लोगों को मदद करेगी। इसी तरीके से राशन का मसला है, यहां के लोग चाहते हैं कि उनका राशन का कोटा एनहांस हो जाए, ज्यादा मिले, तो कांग्रेस पार्टी इस बात पे भी गौर कर रही है कि जो हमारा इलेक्शन में गारंटी कार्ड होगा, मैनिफेस्टो होगा, उसमें हम इस चीज को भी इंक्लूड करें। केसीसी लोन की डिमांड है लोगों की, उनके लोन माफ हो जाए। इसी तरीके से जो भी इश्यूज
कश्मीर वैली में या जम्मू कश्मीर में उन इश्यूज को रिड्रेसल करना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों की सरकार होगी। लोग जो हमें इश्यूज देंगे उनको हम गारंटी और मैनिफेस्टो में इंक्लूड करेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ का रियासत का दर्जा हमें वापस मिले। उस जीवन में हमने इतने प्रोटेस्ट किए, कल भी हमारा प्रोटेस्ट था कश्मीर में, श्रीनगर में, आज बारामूला और जम्मू में, सांबा में, रात को कुठवा में था, जम्मू में किया हमने। इसलिए कि जो मोर पावर्स एलजी को दिए गए, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा कि हम ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं, इस ऑर्डर के तहत यही इस बात की अक्कासी हो रही है कि बीजेपी ये इलेक्शन हारने जा रही है, उन्होंने पहले ही इलेक्टेड सर गवर्नमेंट के पावर खत्म करके एलजी को दे, उसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भैया आपने कहा था कि आप जो स्टेट है वो कुछ देर के लिए हमने वापस ली है और हम इसको वापस करेंगे, लेकिन आपने तो अच्छा सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर परसों हमारी सरकार आई होती 2024 में, एक हफ्ते में हमारी जम्मू कश्मीर को स्टेट मिल गई होती, तो हमारी डिमांड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है बीजेपी सरकार को कि पहले स्टेट को बहाल करे, बाद में इलेक्शन में जाए। हम एक महीना वेट भी करेंगे, लेकिन हमें स्टेट चाहिए, हमें पावर चाहिए। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जिसको लोग चुनेंगे अपने परेशानियों के लिए, अपने मसों मसाइलों के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर में महंगाई खत्म करने के लिए, उस सरकार के पास पावर होनी चाहिए ना। जब उनको हर चीज का अप्रूवल एलजी से लेना हो, ट्रांसफर का अप्रूवल एलजी से, किसी को 10 रुपए रिलीज करने हो उसका अप्रूवल एलजी से, तो फिर किस बात की वो कठपुतली सरकार है। लिहाजा हम चाहते हैं कि इमीडिएटली रियासत का दर्जा भी बहाल हो। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे गुलाम नबी मोंगा साहब, जो इस कमेटी के को चेयरमैन है, असली चेयरमैन इसके प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब है, लेकिन को चेयरमैन इस पूरे कश्मीर में, इनके तहत हमारी कांग्रेस के लीडर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट जाएंगे और हमारे फोन नंबर जो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे जारी करेंगे, उन फोन नंबर्स पे भी लोग फोन करके अपना इशू हमारे सामने रख सकते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, वो आंगनवाड़ियों का इशू हो, वो आशा वर्करों का इशू हो, वो मेडिकल की नर्सेज का इशू हो, वो डेली वेजर्स का इशू हो, वो बात कर सकते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में अपनी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरा यही है, आज हमारा पार्टी का यही है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को हम यही कहेंगे, जम्मू में रविंदर शर्मा जी और नरेश गुप्ता जी की हेडेड में टीमें जा रही हैं 5-5, 6-6 डिस्ट्रिक्टों में, और यहाँ पे गुलाम नबी मोंगा साहब के सदारत में टीमें जा रही हैं। 10-15 दिन में हम अपना गारंटी और मैनिफेस्टो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इलेक्शन से पहले पब्लिक डोमेन में हम इसको डालेंगे। देखो, अगर रिफॉर्म्स में कोई चीज होता है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं होम मिनिस्ट्री जो करने जा रही है आप जम्मू कश्मीर, इस बात की अक्कासी कर रहा है कि जो हमारी खुशहाल स्टेट थी, जो हमारी हिस्टोरिकल स्टेट थी, उसको वापस देने का कोई इरादा इस बीजेपी सरकार को नहीं है। इसलिए ये सारे अलग अलग रिफॉर्म्स और अलग अलग प्रैक्टिकल हमारी स्टेट पे हो रहा है, हमारी यूटी पे हो रहा है। हम अमित शाह जी को, होम मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को कहना चाहते हैं कि हमारे अपनी स्टेट वापस की जाए और ये जो रिफॉर्म्स है ये हम अपनी जगह भी कर सकते हैं। मैंने तो जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान है वो तो बजट पे है ही नहीं, वो तो हमारा अपना नहीं, वो तो हमारा नहीं, वो हमारा मैनिफेस्टो है। मैंने कहा आपका
वो पीपुल है या नहीं है, आप अलग से सवाल पूछे, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए उस मामले में। अगर हम बजट पे यहाँ डिस्कशन करेंगे तो ये सारा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस